जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो SSC GD 2023 का मेडिकल देने जाने वाले हैं। अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, आप जो पीछे फोटो देख रहे हैं ये मेरी अकेडमी का छात्र है मंजीत, जो कि दिल्ली का रहने वाला था, ये भी मेडिकल में फेल हो गया था। ये 2021 वाली जो भर्ती थी उसके मेडिकल में रहा था, और अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको वहां से दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से क्लियर। तो इसका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो देखिए कब इशू हुआ है, 19/5/2023 को क्यों हुआ और कैसे। अगर आप भी मेडिकल में फेल हो जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। इस बच्चे ने 2 साल तक कोर्ट केस लड़ा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे 2 साल तक कोर्ट केस लड़के और फिर इस बच्चे को ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो क्या सभी को मिल सकता है इस प्रकार से? क्या क्या कोई भी बच्चा मेडिकल फेल हो जाएगा तो सभी ये काम कर सकते हैं? उनकी उस सभी के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। लाडलो मैं बता दूं, जो भी बच्चे जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, जिनको पता कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, एक तो वो प्री मेडिकल करा लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कराया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए, जो भी बच्चे जिनके कम नंबर है और दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए, और 15 जून से हमारी अकेडमी में दिल्ली पुलिस के नए बैच शुरू होंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अकेडमी आके तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। 15 जून से नए बैच स्टार्ट होंगे दिल्ली पुलिस के, और उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। अब लाडलो बताता हूं आपको कि क्या कहता है, मंजीत नाम इस बच्चे का, और अभी इसको ज्वाइनिंग लेटर मिली है। 2021 वाली ये भर्ती है, ध्यान रखना, ये 23 वाली नहीं। उसमें किसमें, रिक्रूटमेंट फॉर द कांस्टेबल GD इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में इसको ज्वाइनिंग लेटर मिली थी, क्योंकि CISF ही इसने चॉइस कर रखी थी। आप अगर रिजल्ट देखोगे, रिजल्ट में कुछ पोस्ट है मतलब बाकी रखी जाती है, सारी पोस्ट पर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, कुछ को होल्ड पे रखा जाता था, उनमें से इस बच्चे का भी रखा गया था। कैसे, इसको मेडिकल में जो पॉइंट दिया था ओरिजिनल में इसके वो पॉइंट था ही नहीं, इसके मेडिकल में जो प्रॉब्लम बताई गई थी एक्चुअल में वो इसके प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो इसने फिर क्या किया, कोर्ट केस कर दिया। और आप भी कर सकते हैं, कोर्ट केस करने का आप सभी को अधिकार है। जो भी बच्चा SSGD की भर्ती देख रहा है, अगर उसको लगता है कि उसको मेडिकली गलत रूप से मतलब कि बाहर किया गया है, आपको लगता है जैसे आपके नौकरी का पॉइंट नहीं है या आपके टीथ का पॉइंट नहीं है, क्योंकि SSC की जो नोटिफिकेशन है ना उसमें सारे पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए हिंदी में ट्रांसलेट करके, आपको सब समझ में आ जाएगा कौन कौन से मेडिकल क्राइटेरिया SSC GD अलाउ करती है और कौन कौन से नहीं करती है। तो जो नोटिफिकेशन के अनुसार इस बच्चे के मेडिकल पॉइंट नहीं था। अगर आपके भी ऐसा होता है कि आपको मान लो टीथ में बाहर कर दिया जबकि आपकी टीथ में प्रॉब्लम नहीं है, आपको आईज में प्रॉब्लम कर दिया कि आपको 6/6 नहीं है जबकि आपकी आई 6/6 है, या आपको कलर विजन की वजह से बाहर कर दिया, नौकरी की वजह से, हैंड बैंड की वजह से, या कोई भी एनी हाउ रीजन आपको मेडिकल में फेल कर दिया, क्यों होगा क्या इस बार? जैसे जब भी आपका मेडिकल होना, मेडिकल के तुरंत बाद रीमेडिकल होगा, अब उतनी देर में तो आप कुछ करा ही नहीं पाएंगे और आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देंगे, यानी आपको मौका भी नहीं मिलता, ठीक है, या आपको वेट में कर दे, ओवर वेट में कर दे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, तुरंत ही कोर्ट में अप्लाई कर देना है, ठीक है, इसके खिलाफ पिटीशन की भाई ऐसे ऐसे है मेरे को बाहर कर दिया गया, और फिर कोर्ट आपके डिपार्टमेंट को वापस क्या देगा कि इसका वापस से मेडिकल किया जाए, और उस मेडिकल में आप पास हो सकते हो, बाहर से सर्टिफिकेट भी ले जाके दिखा सकते हो मेडिकल फिट का, और फिर से फिट हो सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको जिस दिन आपका मेडिकल हो उसी तुरंत अगले दिन तक ये कार्रवाई करनी है आपको, कि तुरंत आप उसके खिलाफ एक्शन ले लो, बोर्ड के खिलाफ भी, कि भाई इस प्रकार से मुझे बाहर किया गया जो कि एक गलत तरीका है, और आप कोर्ट में उसके लिए अर्जी लगा सकते हैं, तो फिर आपका दोबारा मेडिकल होगा। और इस बच्चे का यही हुआ था, इसको बाहर कर दिया गया था जो कि इसके एक्चुअल में पॉइंट था ही नहीं, फिर इसने वापस कोर्ट में पेश किया और 2 साल बाद में इसको वापस से ज्वाइनिंग मिल गई। तो जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर है ध्यान रखना इस बात का, आप जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर केस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए किसके आधार पर, जो नोटिफिकेशन में पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर आप उनमें ठीक है तो ही आपका केस फाइल होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। प्रूफ के लिए आप SSC GD की जो नोटिफिकेशन आई थी उसको पूरा पढ़ लीजिए, और उसके आधार पर आपको लगता है कि नहीं मुझे गलत तरीके से बाहर कर दिया गया, तुरंत कोर्ट में केस कर दीजिए, 100% आप वापस क्वालिफाई हो जाएंगे और ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।